नागदा ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के सभी सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को आंदोलन कर दिया। कोई भी वर्कर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। मजदूर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। ड्यूटी से ब्रेक मिलना और महीने की पूरी हाजिरी नहीं मिलना, बोनस 20% नहीं मिलना, इनकी प्रमुख मांगे थी। मैनेजमेंट ने बीच बीच इनसे संपर्क साधने की कोशिश भी की, परंतु विफल रहे। इस बीच शहर युवक कांग्रेस पार्टी के सुबोध स्वामी और कांग्रेस पार्टी के जिला मंत्री रघुनाथ बाबू सरकार ने मजदूरों की मांगों को मैनेजमेंट तक पहुंचाया, जिसमें पूरे महीने ड्यूटी पर रजामंदी हुई और बाकी मांगों को भी जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। ग्रेसिम इंडस्ट्री के अजय जैन ने बताया कि अगर मजदूर हमसे बात कर लेते तो इतनी बड़ी बात ही नहीं बढ़ती। फिलहाल मामला शांत करके सभी अपने अपने कार्य पर लौट गए। प्रमुख रूप से मजदूरों की दो बड़ी मांगे थी। एक तो इनको इनका रिटर्न, बेवजह रिटर्न किए जा रही थी, महीने में 8-10 हाजिरी मिल रही थी और ब्रेक दिया जा रहा है, ब्रेक तो कई समय से दिया जा रहा है। तो ये मैनेजमेंट से जब चर्चा हुई तो ये बात सामने आई कि जो सैनिटरी कॉलोनियों में इनकी जो 40 की स्ट्रेंथ थी उसको मैनेजमेंट ने कम करा है और अंदर जो 44 की स्ट्रेंथ थी उसको कम करके 6 या 8 आदमी कम करे। हमने जब ये पूछा कि ये 6-8 आदमी आपके द्वारा क्यों कम किए गए, तो यहाँ पर जो विनोद मिश्रा जी जो मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो बोले मेरे को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं, मेरे को 2 दिन का समय दो, मैं इसका ये जो 44 से 36 से 38 करने का काम है वो किस कारण से हुआ मैं आपको बता दूंगा और ये इसको जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात रिटर्न की थी, तो जो हमारी माताएं बहनें जो अंदर काम करती हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हाजिरी दी जाएगी, और जो हमारे भाई लोग हैं जिनको हाजिरी अगर वहाँ नहीं मिलती है तो अंदर उद्योग में फैक्ट्री में जाके उनको काम दिया जाएगा, उनकी उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा, हाजिरी उनको बराबर मिलेगी, या तो यहाँ करें या अंदर।